कोरबा के बालको पुलिस ने ऑनलाइन महादेव ऐप के जरिए सट्टा खिला रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बालको थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके पास से 2 लाख रुपए नकदी रकम और 7 मोबाइल बरामद की गई है। बालको पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही से जिले में सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरबा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत सभी तरह के अवैध कारोबारों के खिलाफ पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में भी दहशत देखी जा रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए कोरबा की बालको पुलिस ने ऑनलाइन महादेव ऐप के जरिए सट्टा खिला रहे 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरी फेयर प्ले का पैनल बनाकर अवैध काम को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और सिविक सेंटर में सट्टा खेल रहे 4 सटोरियों को पकड़ लिया, जिनके पास से 4 मोबाइल सहित 1 लाख रुपए नकदी रकम की जब्ती बनाई गई। इसी तरह पुराना बस स्टैंड के पास भी 3 सटोरी पकड़ में आए, उनके पास से भी 3 मोबाइल सहित करीब 1 लाख रुपए जब्त किए गए। सभी आरोपी बालको थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। इसी दरमियान जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि सिविक सेंटर एरिया बालको क्षेत्र में अवैध रूप से मोबाइल महादेव ऐप के माध्यम से फेयर प्ले का पैनल बनाकर कुछ सटोरिया लोगों से अवैध सट्टा खिलाकर गलत कार्य कर रहे हैं, जिसकी सूचना नगर पुलिस महोदय एवं साइबर सेल प्रभारी के मार्गदर्शन में बालको थाना और साइबर सेल की टीम का गठन कर रेड किया गया। रेड के दरमियान सिविक सेंटर एरिया बालको में 4 जुआड़ी अपने मोबाइल से महादेव ऐप का सट्टा पट्टी लेकर सट्टा खिला रहे थे, जिसके कब्जे से 4 नग मोबाइल 1,54,000 रुपये नकद जब्त किया गया। इसी दरमियान सिविक सेंटर के अलावा पुराना बस स्टैंड बालको क्षेत्र में भी 3 जुआड़ी से 3 मोबाइल 93,000 नकद जब्त कर उनके विरुद्ध सट्टा पट्टी का कार्रवाई किया गया है। बालको पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त प्रयास से सटोरियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अवैध कार्यों में लिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। पकड़ में आए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।